हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो इजी कैम है जिसका मॉडल नंबर है E31A, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट है, E21A, E21, ठीक है। अभी ये सामने लेटेस्ट E35A है। तो ये 2 मेगापिक्सल आपका है और ये आपका 3 मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है। तो इसके ऑनलाइन कैसे करना है, आपको मोबाइल पर देखना कैसे, वो सारा कुछ आपको इसके फीचर्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं फिजिकली। फिजिकली लुक आपका इसका ये है जो 3 मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है। आपका इसमें 2-वे कम्युनिकेशन है, प्लस इसमें एक लैंड पोर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, एक रिसेट बटन दिया हुआ है और ये आपका पावर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गए। अब हम आते हैं इसके बारे में। ये 360 डिग्री कैमरा ये घूमता है, ठीक है। अब इसके साथ ये वाईफाई है, आपका फुल HD कैमरा है, मोशन अलर्ट है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे इसको ऑपरेट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये इसको पावर हम दे देंगे। जब पावर हम देंगे, अभी इसका ये जो फिल्म है, प्लास्टिक फिल्म, ये को मैंने हटाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट नया है बिल्कुल। अभी मैं हटाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये जब भी पावर आप जब देंगे तो ये आपको वेटिंग फॉर द वाईफाई कनेक्शन यूज़ करेंगे। अब हम यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये 2.4 GHz पे काम करता है, 5 GHz पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये आपका एप्लीकेशन का नाम, ठीक है, आपका ये इजी कैम एप्लीकेशन जो आप जो देख रहे हैं, ये इजी कैम एप्लीकेशन ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से भी आप डाउनलोड कर करके और सिमिलरली जो जैसा मैंने वीडियो में बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा, आपका ऑनलाइन हो जाएगा। सबसे पहले आप क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसा इंटरफेस खुल गया आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें यूज़र नेम और अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। तो जब खोलेंगे तो आपको इसको साइन अप करना है आपको, तो अपने हिसाब से मेल आईडी के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आप उसको अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ मैं आपको ऐसा जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगा, ये मेरा नंबर है, ये आपका, तो आपको यहाँ पर से आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज़, आपको ये हेल्प सेंटर है आपका, जब भी किसी भी तरह का अगर ये कैमरा अगर आपको ऐड होने प्रॉब्लम करता है या किसी भी तरह का इशू आता है आपको, चलते चलते आपका ये वाईफाई छोड़ देता है या पावर छोड़ देता है, तो आप इसको फ्रेंकली आस्ट क्वेश्चन में जो है कि माई डिवाइसेस से रिलेटेड या ऐप इशू के रिलेटेड या माई डिवाइसेस या नेटवर्किंग इशू जो भी सिलेक्शन है आपका, अलार्म पुशअप है, फर्मवेयर का दिक्कत है, तो अपने हिसाब से कर करके सेंड फीडबैक कर देना है आपको, जिससे ये सीधे हमारे सर्वर पे आ जाएगा फीडबैक आपका। और जो भी इशू है हम एक बार रिमोटली एक बार चेक कर लेंगे कि इस डिवाइसेस में क्या प्रॉब्लम है या नेटवर्क में किस तरह की दिक्कत आ रही है। तो ये आपका एक बहुत एडवांटेज आपका ये है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं होम पर। होम पे आपका ऐसा पेज खुलेगा, हम प्लस पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से क्लिक किए हुए हैं तो यहाँ पर एक प्लस है, बैटरी का निम्बल नीचे वाला सिंबल, उस पर भी आप क्लिक कीजिएगा तो सेम चीज़ें खुलेगी। अभी हम सिर्फ कैमरा की बात कर रहे हैं, तो इसमें से जो भी बहुत सारे ये इजी कैम के वेरियंट ही आपके पास है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपका मॉडल है वो आप सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे इसमें 3 मेगापिक्सल भी आता है, 4 मेगापिक्सल भी आता है, 2 मेगापिक्सल भी आता है, तो अपने हिसाब से आप जो भी मॉडल आपका है वो आप सिलेक्शन। मेरा मॉडल मैंने सिलेक्शन किया है E31A, तो E31A पर आपके क्लिक कीजिएगा, ये हमारा मॉडल है, E31 पे हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर हम आते हैं QR कोड पर, ठीक है। QR कोड पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आपको मिलता है, केबल, अगर आपने लैन केबल लगाया है तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है, लैन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास लैन केबल नहीं है, QR कोड का ऑप्शन है, ठीक है, तो QR कोड बाई डिफॉल्ट QR कोड पे ही रहता है। या फिर अगर आपको स्कैन भी नहीं करना है, सिर्फ EZ मोड पे करना है, जो आपने पासवर्ड डाला और नेक्स्ट काम किया, तो आपको EZ मोड सिलेक्शन करना है आपको। यहाँ पर EZ मोड आपको दिख ही रहा होगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये कि ये बटन आपको हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये अलाउ आपका लोकेशन पूछता है कि किस लोकेशन से आपका जो है ये है, तो हम इसको एक बार हम लोकेशन इसको एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा वाईफाई है, ये हमारा वाईफाई का पासवर्ड है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने EZ मोड किया है तो हम इसको अभी स्कैन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम QR कोड पे बाय डिफॉल्ट, ये देखिए बोलना शुरू कर गया, वाईफाई कनेक्टिंग, प्लीज़ वेट, ठीक है, और ये स्कैन करेगा, रजिस्टर ऑन क्लाउड होगा और उसके बाद इनिशियलाइजेशन डिवाइस हो जाएगा। हम वेट करेंगे 25 सेकेंड या 30 सेकेंड या 40 सेकेंड। अब ये बोल दिया वाईफाई कनेक्शन सक्सेस, ये देखिए अब यह डन हो गया, ओके हो गया। अब ये आपका डिवाइसेस लाइव चलने लगा आपका, ठीक है, यहाँ देखिए। अब इसका एडवांटेज समझ लीजिए क्या है सर इसका। जैसे ये हमारा कैमरा है, इसको आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है,
या फिर आपको बड़ा करना है इसको तो आप इसे भी बड़ा कर सकते हैं ये, और आप अपने हिसाब से इधर उधर घुमा सकते हैं। ये देखिए ऊपर नीचे, इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसमें और भी फंक्शन दिया हुआ है कि आपको टू वे कम्युनिकेशन करना है, ये जो आपका स्नैपशॉट वाला है ये आपको जब ये जब क्लिक करेंगे तो आपको व्यू स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ये आपको गैलरी में सबका सेव हो गया इंस्टेंट अगर आप कुछ चाहते हैं तब, ठीक है। ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है, यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो आपका लाइव फ़ोन में ही आपका जो है सर कि रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ऑप्शन दिख गया आपको। अब इसमें मेमोरी कार्ड का जो ऑप्शन है ये देख लीजिए, मेमोरी कार्ड लगता कहाँ है, जैसा कि आपको मैंने बता रहा था कि एसडी कार्ड लगता कहाँ है, तो ये अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया है, इसमें स्टक कर गया इसलिए ऊपर नहीं जा रहा है। सेम मॉडल ये आपका है जैसे E25 2 मेगापिक्सल है, तो जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक कलर का वैसे ही यहाँ पर आपको वाइट कलर का दिखेगा, ये देखिए। तो आप यहाँ पर एसडी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें 128 GB का मैक्सिमम आपका एसडी कार्ड सपोर्ट करता है, तो आराम से 5 दिन के आराम से आसपास रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये 0.265 कंप्रेशन पे काम करता है, तो 5 दिन आराम से चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कैमरे की, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे हमने कर दिया तो आप बड़ा व्यू में दिख रहे हैं, ठीक है। वापस इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब आपको इसमें मोशन ट्रैकिंग करना है, तो मोशन ट्रैकिंग जैसे ही इनेबल करेंगे, ठीक है, तो ये जब भी कैमरे के सामने कोई ह्यूमन आएगा, तो जैसे देखिए हमने हाथ रखा है ऐसे, ठीक है, अब ये देखिए घूम रहा है, देखिए देखिए तो ये है आपका मोशन ट्रैकिंग, ठीक है। एक आपका है मोशन डिटेक्शन, जब भी आपका मोशन होगा तो ये देखिए जब भी हम मोशन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमको अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैसेज भी चेक कर सकते हैं आप, अभी आया नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैसेज भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा आपका, और आपके यहाँ पे लाइव पे ही दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ मोशन हुआ है, तो ये शो आएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद प्राइवेट मोड है, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पर जो भी चल रहा है वो रिकॉर्ड करना बंद कर देगा, और ये जो इसका जो फेस है आपका ये चला जाएगा स्लीप मोड में, ये प्राइवेट मोड का ऑप्शन ये है, ठीक है। उसके बाद आप गैलरी प्लेबैक देखना चाहते हैं, देखिए अभी स्लीप मोड पे चला गया ये, ठीक है। इसको हम वापस से क्लिक कर देते हैं टर्न ऑन कैमरा, तो ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये एक फीचर्स है आपका। उसके बाद आपको प्लेबैक देखना है तो एसडी कार्ड अगर रह गया तो आपका प्लेबैक भी आपको आ जाएगा, देखिए यू कैमरा हैज़ नो स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेज रहता तो आपको ये दिखा देता। एक काम कीजिएगा कि लगाने से पहले FAT32 एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे फॉर्मेट कर लीजिएगा अपने मेमोरी कार्ड को, एसडी कार्ड को, जिससे प्रॉब्लम जो कभी कभी डिटेक्ट नहीं करता है एसडी कार्ड वो आपको रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आप इस पर प्रीसेट बना सकते हैं। प्रीसेट कैसे बनता है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस फोटो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी वाई कर दिया, ये हो गया सेव, ठीक है, लोडिंग दिख रहा है अभी, अभी ये आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये आपको आ गया। अब मान लीजिए कि हम इसको कैमरे को इधर घुमा दिए या इधर घुमा दिए अपने हिसाब से, ये देखिए, ये देखिए मोशन डिटेक्शन का ऑप्शन आ भी गया आपका। अभी देखिए हमने कैमरा इधर घुमा दिया, कैमरा उधर दिख रहा है आपका। अब हम वापस आते हैं और जो मैंने आपको बताना चाह रहा था कि ये प्रीसेट पर, इस पर जब हम क्लिक करेंगे कैमरा आपका जिधर भी हो आपको वापस वो घूम करके उस जगह पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल फीचर्स, ये देखिए कैमरा घूमना शुरू हो गया है थोड़ा सा। उसके बाद आपका यहाँ पर ये देखिए ये तीन लाइन जो आपको दिख रहा है, देखिए कैमरा घूमना शुरू हो गया ऑटोमेटिक, तो ये अपने हिसाब से घूमना शुरू हो जाएगा। उसके साथ आप इसमें गूगल होम या एलेक्सा के साथ भी आप इसको टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट मोड मैंने आपको बता ही दिया, डिस्प्ले सेटिंग्स आपको मैंने बता ही दिया, कंट्रास्ट शार्पनेस वगैरह अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, डिटेक्शन वगैरह बता ही सकते हैं। हाँ, ऑफलाइन नोटिफिकेशन आपका जब ऑन कर देंगे तो जब ये आधा घंटा के आसपास जब हो जाएगा 30 मिनट कोई रिस्पॉन्स नहीं कह रहा कैमरा, तो आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा, जैसा अभी मैंने दिखाया था आपको मोशन के लिए। यहाँ देखिए मोशन के लिए आपको मोशन डिटेक्शन आया,
इस तरह से आज 19 तारीख है और 10:59:46, तो इस हिसाब से आपके पास मोशन पे भी आते चले जाएगा। ये था आपका 3 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, सब में कॉमन फीचर्स है ये। बाकी सब में किसी में लैंड पोर्ट है, किसी में लैंड पोर्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं टू वे कम्युनिकेशन की बात करूँ तो ये देखिए, हेलो हेलो, तो ये टू वे कम्युनिकेशन भी आपका हो गया, ठीक है। ये देखिए मोशन डिटेक्शन, क्योंकि मैंने इनेबल कर रखा है। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको जब टच करना है आपको और ये काम आपका काम कर देगा आपका। ये ऐसा आवाज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत पास में, थोड़ा दूर रखा रखेंगे 5-6 मीटर पे तो बहुत अच्छा सा काम करता है ये। अभी हमने बंद कर दिया, अब हम वापस आते हैं। अब मान लीजिए इसको दोस्तों मोबाइल पर देखना है आपको, तो ये देखिए शेयर डिवाइस का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। शेयर डिवाइस पर करना क्या है आपको कि उस मोबाइल में एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, जैसा कि आपने शुरू में इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया आपको, वैसे ही इसमें उस मोबाइल में भी आप बनाएंगे और उसका यूज़र आईडी ऐड शेयरिंग पे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे अकाउंट, आपको यहाँ पे डालना है आपको अकाउंट नंबर उस मोबाइल का जो यूज़र आईडी है, ठीक है। डालने के बाद आपको यहाँ पर ये डन का सिंबल हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि अभी मैंने ये किया विकास कुमार के सिंह पे, शेयर सक्सेसफुली लिखा भी गया, ओके ओके। तो अब ये उनके मोबाइल पे ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया होगा मोबाइल पर। आपको ऐसा नहीं दोबारा से कि आपको स्कैन करना है। तो ये था आपको तरीका शेयरिंग कैसे करते हैं और ऑनलाइन। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि अगर मान लीजिए कैमरा आपके बाई डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पर ऐड हो गया है, ठीक है, ऐड ऑन अगर ये हो गया है तो आपको हटाने के लिए 3 लाइन पर जाना है और यहाँ पर रिमूव डिवाइस करना है, ठीक है, तब ही आपका ये प्रॉपर होगा, आपका हट जाएगा। अदरवाइज अगर आपने इसको हटाया नहीं और अगर आपने किसी दूसरे को मोबाइल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं चलेगा सर, आपको फिर अप्लाई टू अनबाइंड करना पड़ेगा, तब ही जा करके चलेगा। अप्लाई टू अनबाइंड कैसे करते हैं, अब मैं वीडियो बना के डाल रखा हूँ ऑलरेडी, उसका प्रोसेस सेम ही है, किसी मॉडल का प्रोसेस सेम है, तो आप वैसे अप्लाई टू अनबाइंड कर सकते हैं। उसमें आपको 24 घंटा वेट करना पड़ेगा तब जा करके होगा, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 24 घंटा, वैसे आधे घंटे से भी 1 घंटा 2 घंटा डिपेंड करता है कि वो कितना देरी में होता है, तो लेकिन आप स्टैंडर्ड पैरामीटर 24 घंटा आप लेके चलेंगे। तो ये था आपका, मैं बताने के लिए मैं भूल गया था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।